नमस्कार, मैं हूँ इस्तेमाल भी आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कितने शिक्षक सम्मान होते हैं? हर वर्ष जो है 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और इन 3 शिक्षकों को महासंघ के द्वारा, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं देना होता। शैक्षिक महासंघ की जितनी इकाइयां हैं, नीचे से एक जो आवेदन छट के आते हैं उन्हीं में से जो समाज में कार्य कर रहे हैं या जो अपने विषय को लेकर जिन्होंने बहुत अच्छा जो है रिसर्च किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने की ये जो प्रेरणा है, इससे शैक्षिक महासंघ 2015 से हर साल शिक्षक सम्मान जो है, शिक्षा भूषण का जो सम्मान है वो 3 शिक्षकों को दे रहा है। और साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की जो हम एक सांकेतिक 1,00,000 रुपए भी दिया जाता है हर 3 शिक्षकों को, उनको यह जो राशि है ये कहीं से भी इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। हमारे शिक्षक संगठन के जो शिक्षक हैं वो ही अब राशि जमा करते हैं और उसी राशि से इसे दिया जाता है। ठीक है, कल हमारा शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश जी सोनी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और इसके अलावा वाल्मीकि जो हमारा अखिल भारतीय समाज है उसके संत राज्यसभा सांसद आदरणीय बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज, उनका संत सानिध्य हमारे रहेगा और 3 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया। सर, कब और कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित है? कल हंस ध्वनि सभागार रविंद्र रंगमंच भोपाल में ये कार्यक्रम दोपहर 11 बजे प्रारंभ किया जाएगा और लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस प्रकार सम्मान का क्या उद्देश्य? इस सम्मान का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जो किसी सम्मान की आकांक्षा के लिए कभी स्वयं आवेदन नहीं करते, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे शिक्षकों का जीवन समाज के सामने आए और उस दिशा में शिक्षक और समाज चले, ऐसे शिक्षकों का सम्मान स्वयं महासंघ खोजबीन करके निष्पक्ष आधार पर 3 लोगों का चयन करके। सर, जैसा कि आज राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ का कार्यक्रम रखा गया है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद होने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो एक प्रदेश से आया, वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है इसका इस बारे में चर्चा हो गया, तो मुख्यमंत्री आएगी तो बहुत आभार हूँ हम तो। उसके साथ कुछ मुलाकात होगा, हमारा प्रॉब्लम जा है जो है उसको मैं कुछ बताएंगे, उसका परामर्श लेंगे। सर, बंगाल में शिक्षा व्यवस्था की किस प्रकार से स्थिति देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है? बहुत कुछ बदलाव का ज़रूरत है। वहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्विकली ड्रॉप डाउन हो रहा है, जो वहाँ का न्यू टीचर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, इसी कारण 10 साल से वो तो एम्प्लॉयमेंट नया नियोग बंद हो गया। और शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वो तो जेल में है, सभी शिक्षा दफ्तर जेल में है, बहुत घोटाला है उसके पास। मेरा जो सर्व शिक्षा मिशन का मिड डे मील है उसके घोटाला है, इसी कारण तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत बदलाव आना चाहिए। और टीचर्स का जो फैसिलिटी है उसका फैसिलिटी घट गया, वो मेरा प्रदेश में अभी 6 पे कमीशन चल रहा है और ओनली 14% DA मिल रहा है, तो है। इसके अलावा आप किस सरकार से किस प्रकार की मांग करेंगे? आपके मेरा प्रदेश में जो NEP 2020 सारा देश में लागू हो गया, वेस्ट बंगाल नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये तो ज़रूरत होगा। सब प्रदेश एक ही साथ चलेगा तो शिक्षा व्यवस्था ऑल इंडिया में एक ही होगा, तो फैसिलिटी मिलेगा हमारा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के लिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।